हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं Q4 क्वार्टर रिजल्ट्स की, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था टाटा पावर के Q4 क्वार्टर की रिजल्ट्स की। वो यहां पे रिजल्ट्स है जो ऑलरेडी आ चुका है, और यहां पे Q4 क्वार्टर का रिजल्ट्स के साथ साथ जैसा मैंने मॉर्निंग में बताया था कि कंपनी यहां पे डिविडेंड भी देगी, तो यहां पे कंपनी डिविडेंड भी देती हुई नजर आई है दोस्तों। तो यहां पे टाटा पावर की अगर हम सबसे पहले यहां पे देखें तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो Q4 क्वार्टर का है, और यहां पे डिविडेंड एंड एनुअल जनरल मीटिंग से अपडेट यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। ₹2 पर शेयर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी फाइनल डिविडेंड देती हुई नजर आई है, जिसका फेस वैल्यू ₹1.200% यहाँ पे डिविडेंड दी है कंपनी। और यहाँ पे एक तरह से देखें तो 105वां यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग है जो यहाँ पे शेड्यूल किया गया है 16 जुलाई 2024 को ट्यूजडे के दिन। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो रिकॉर्ड डेट एंड पेमेंट डेट भी यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिलेगा। जो डिविडेंड का यहाँ पे दिया गया है, फिक्स किया गया है रिकॉर्ड डेट थर्सडे को 4 जुलाई 2024 का डेट रखा गया है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इनका जून जुलाई ही रहता है मेन रूप से, खास करके यहाँ पे डिविडेंड डेट टाइम। तो यहाँ पे एक तरह से देखें तो यहाँ पे जुलाई में ही दिया है, जो जिसपे हम ज़्यादा फोकस किए थे मॉर्निंग में, ऐसा ही देखने को मिला है कि जुलाई में ही देती हुई नजर आई है टाटा पावर कंपनी। तो यहाँ पे द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का यहाँ पे Q4 क्वार्टर का रिजल्ट्स पे मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, और देखते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने Q4 क्वार्टर के रिजल्ट्स में क्या अपडेट दी है, इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। इसमें तो देखने को बहुत सारे चीज़ है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जानना होता है, सभी लोगों को जल्दी होता है कि रिजल्ट्स कैसा आया, रिजल्ट्स को जाने और रिजल्ट्स को समझे। तो यहाँ पे बस ये सारी इनकी सब्सिडियरी कंपनियाँ अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और मैं रिजल्ट्स पे आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाटा पावर की रिजल्ट्स को देखता हूँ कि रिजल्ट्स किस प्रकार से कंपनी ने पब्लिश किया। टोटल नंबर यहाँ पे इन करोड़ में दिया गया है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन करोड़ में दिया गया नंबर। द स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे टोटल इनकम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे टोटल इनकम 16,463 करोड़ का होता हुआ नजर आया, जो पिछले साल 13,325 करोड़ का था। यानी पिछले साल से सेम क्वार्टर की अगर हम बात करें, पिछले साल से यहाँ पे बहुत अच्छा अपसाइड देखने को मिल रहा है टोटल इनकम में। पिछले क्वार्टर की बात करें 15,294 करोड़ का हुआ था, तो पिछले क्वार्टर से भी यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ तो है ही है, यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहां पे अगर आप बात करो, एक्सपेंसेस 15,691 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो पिछले साल 12,547 करोड़ के एक्सपेंसेस की थी कंपनी, और पिछले क्वार्टर में 14,254 करोड़ का एक्सपेंसेस की थी। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस में भी बढ़ोतरी हुआ, जिस तरह से कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट इनकम बढ़ाया टोटल इनकम, उस तरह से यहाँ पे एक्सपेंसेस भी बढ़ा है कंपनी का। अगर हम कंपनी की बात करें यहाँ पे टोटल इनकम की, सबसे पहले देखिए कंपनी का जो मेन प्रॉफिट है वो कितना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंपनी का मेन प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप देखोगे तो 1,045 करोड़ का होता हुआ नजर आ रहा है, जो पिछले साल 938 करोड़ का था, और पिछले क्वार्टर में 1,076 करोड़ था। यहाँ पे प्रॉफिट में इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उछाल है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे डाउन आपको देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं रिजल्ट्स काफ़ी ठीक ठाक है, और यहाँ पे कंपनी का जो EPS है, इस कंपनी के EPS में भी आपको यहाँ पे उछाल देखने को मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से कंपनी ने यहाँ पे रिजल्ट्स पेश किया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे EPS भी कंपनी का बढ़ता हुआ ही नजर आया है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपको यहाँ पे तो देखने को मिल ही रहा है कि आप ये सारी चीज़ें देख ही लिए कि मतलब कि इस कंपनी ने किस तरीके से प्रॉफिट करती हुई नजर आई है। और यहाँ पे EPS में उछाल पिछले साल से बेसिक EPS है जो इंक्रीज हुआ है, ₹2.08 का अभी देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, जिससे कि वीडियो अधिक लोगों के पास पहुँच सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चले, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसके ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है अपस्टॉक जीरोधा का, वहां से आप अपस्टॉक पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ दोस्तों।